नमस्कार, मेरे देश के सभी हिंदू भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर पिछले 70 सालों से हमारे साथ धोखा होता हुआ आ रहा है। अगर इस देश में सेकुलरिज्म है तो उसकी परिभाषा क्या है? क्या धर्म और रिलीजन एक ही है? धर्म और रिलीजन कभी एक नहीं हो सकते। हो सकता है कि रिलीजन धर्म का एक पार्ट हो, पर रिलीजन ही धर्म नहीं है, और धर्म को हम बिल्कुल भी रिलीजन के साथ एक समान शब्द में नहीं जोड़ सकते। धर्म का मतलब होता है इंडिविजुअल ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना। जो कि आदमी समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए अपना काम करता है, उसे उसका धर्म कहा जाता है, ना कि मजहब। उसका धर्म कहा जाता है। पर पंथ, मजहब और रिलीजन का मतलब तो बिल्कुल ही अलग है। जहाँ हिंदू को एक जीवन पद्धति के तौर पर दिखाया जाता है, वहीं रिलीजन एक इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी को फॉलो करने को दर्शाता है। जैसे कि मुसलमान अपने पैगंबर साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, या फिर कुरान को फॉलो करते हैं। वहीं बुद्धिस्ट बुद्ध की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, सिख गुरु नानक की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और जैन जैन गुरुओं की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और क्रिश्चियंस बाइबल को फॉलो करते हैं। पर आपको हिंदू धर्म में ऐसा कोई नहीं दिखेगा जो कि किसी एक इंडिविजुअल को फॉलो करता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में कई ग्रंथ हैं। तो हम किसे मान ले कि धर्म क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन रिलीजन हो सकता है? धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम रिलीजन को मान ले, ये एक बहुत ही छोटी मानसिकता वाला सवाल होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई अच्छा काम करे और उसे कहा जाए इट्स योर रिलीजन? ऐसा नहीं हो सकता। या फिर कोई उसे कहे ये तुम्हारा मजहब है, वो ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा इंग्लिश में कहेगा तो ये इट्स माई ड्यूटी, और अगर उर्दू में कहेगा तो ये मेरा फर्ज था। पर एक हिंदू ही बोलेगा कि ये मेरा धर्म था। अगर एक सैनिक का धर्म युद्ध करना है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सैनिक धर्म है। वैसे ही ब्राह्मण का धर्म यज्ञ करना होगा तो ब्राह्मण यज्ञ नहीं बोलेंगे। इसलिए हिंदू को आप धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू धर्म है पर दूसरे सभी मजहब हैं या फिर रिलीजन, उनको आप धर्म का अंदर ला तो सकते हैं पर धर्म को रिलीजन नहीं बना सकते। इसलिए हिंदू धर्म को हम लाइफ स्टाइल विद इंडिविजुअल ड्यूटी कह सकते हैं, ना कि कोई रिलीजन। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। रही बात सेकुलरिज्म की, तो इस देश में सिर्फ हिंदू ही ऐसा है जो हजारों सालों से अपने धर्म के ऊपर टैक्स देता आ रहा है, चाहे वो मुगलों के जमाना हो या आज की सरकार। आज भी हमारे मंदिरों में चढ़ाए गए हिंदुओं के दानों को गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे लेती है, और उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट अपने लोगों पे खर्च करती है, ना कि मस्जिद और चर्च से पैसे लेती है। गवर्नमेंट सिर्फ हमारे मंदिर लैंड को ही एक्वायर करती है, बाकी मस्जिद और चर्च के लिए गवर्नमेंट लैंड एलोकेट करती है। ऐसा क्यों? और एक बात है, पद्मनाभम मंदिर के अरबों के खजाने का क्या हुआ? उसका हमारे सरकार ने क्या किया? जगन्नाथ टेम्पल के खजाने का क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक हमें नहीं मिले।